श्रमिक विमान क्रैश होने की सूचना सामने आई है। पुलिस अधीक्षक और प्रशासन मौके पर रवाना हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा मौके के लिए रवाना हो गए हैं। इसके अलावा कई और टीमें भी रवाना हुई हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बाड़मेर के कवास में प्लेन क्रैश होने की सूचना सामने आई है। जिप्सम हॉल के पास प्लेन क्रैश होने से जो पुलिस अमला है वो अब रवाना हो चुका है। पुलिस अधीक्षक और प्रशासन मौके पर रवाना है। तस्वीरें देखिए, तस्वीर भी सामने आ गई है। मिग विमान क्रैश हुआ है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आग के गोले में तब्दील होता हुआ ये विमान दिखाई दे रहा होगा और सच विद्रक आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी। जिला कलेक्टर और एसपी मौके से रवाना हो चुके हैं। बाड़मेर में मिग विमान क्रैश होने की सूचना सामने आई और तस्वीरें भी आपके सामने हैं और सच विद्रक आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं मिग विमान क्रैश होने के बाद आग के गोले में तब्दील हो गया है। देखिए दमकल विभाग भी सूचना मिलते ही रवाना हो चुका है। वायुसेना और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिग विमान क्रैश होने के बाद आग के गोले में तब्दील हो गया, देख सकते हैं पूरा विमान जलकर खाक हो रहा है। फिलहाल मौके पर पुलिस प्रशासन रवाना हो चुका है, दमकल विभाग भी मौके पर रवाना हो चुका है, वायुसेना और पुलिस अधिकारी भी मौके पर अब पहुंच रहे हैं। सूचना मिलते ही सभी अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, दमकल विभाग भी मौके पर पहुंच रहा है। बाड़मेर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां मिग विमान क्रैश होने की सूचना सामने आई और सूचना मिलते ही पुलिस का अमला मौके से रवाना हो गया है। वहीं दमकल विभाग को भी सूचित कर दिया गया और दमकल विभाग भी मौके से रवाना हो गया है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा मौके के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी। इसके अलावा एसडीएम और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर रवाना हो गई है, लेकिन जो विमान है वो जल चुका है। तस्वीर भी आपने देखी थी, आग के गोले में तब्दील हो गया है मिग विमान। पुलिस अधीक्षक और प्रशासन मौके से रवाना हो गए हैं। कवास के आसपास प्लेन क्रैश होने की सूचना ही सामने आई है और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, इसके अलावा दमकल विभाग भी मौके से रवाना हो गया है। बाड़मेर से बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां मिग विमान क्रैश होने की सूचना सामने आई है। कवास दमकल विभाग, एसडीएम, अधिकारीगण रवाना हो गए हैं। पुलिस टीम भी मौके पर रवाना हो चुकी है। और वो तस्वीरें भी आपने देखी थी, हमने आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाई। ये आप देख सकते हैं पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो गया है और सबसे पहले तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई है। ये मिग विमान क्रैश होने की सूचना सामने है, जिसके बाद देखिए ये पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो गया और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हमने आपको दिखाई है। वायुसेना और पुलिस अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक भी देखिए मौके के लिए रवाना हो गए हैं। दमकल विभाग को सूचित कर दिया गया है और सूचना मिलते ही दमकल विभाग भी रवाना हो गया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें
सच बेधड़क आपको दिखा रहा है। और ये तस्वीरें हमने सबसे पहले आपको दिखाई, आप देख सकते हैं पूरा विमान जलकर खाक हो गया है, गोले आग के गोले में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखिए मौके पर पुलिस अधीक्षक पहुंच रहे हैं, दमकल विभाग मौके पर पहुंच रहा है, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो गया है। और कहा जा रहा है कि शायद पायलट नहीं था, किसी के हताहत होने की अभी जानकारी कोई सामने नहीं आ रही है। आबादी वाले इलाके में प्लेन क्रैश नहीं हुआ ये जानकारी सामने, यानी कि वहां पर ज्यादा आबादी नहीं थी, वहां पर लोग मौजूद नहीं थे, अभी फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। बाड़मेर मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर की घटना बताई जा रही है। और जानकारी यह भी है कि उस वक्त पायलट मौजूद नहीं था, आबादी वाले इलाके में प्लेन क्रैश नहीं हुआ ये जानकारी सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं आपको। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, और बाड़मेर मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर ये घटना घटी है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि आबादी वाला इलाका नहीं था वो जहां पर ये घटना घटी है, और अभी किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। कवास के आसपास प्लेन क्रैश की होने की सूचना सामने आई और उसके बाद पूरा पुलिस अमला मौके से रवाना हो गया है। ये आप देखिए, और सच में दर्द आपको सबसे पहले तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा जो प्लेन है ये आग के गोले में तब्दील हो गया है, धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि यह आबादी वाला इलाका नहीं था और कोई जनहानि अभी तक नहीं हुई है, ये सूचना सामने आ रही है। ये तस्वीर देखिए, और सच में दर्द आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। पूरा जो विमान है क्रैश हो गया और आग के गोले में तब्दील हो गया, आप देख सकते हैं ये धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि शायद कोई पायलट यहां पर नहीं था, यानी कि कोई जनहानि नहीं हुई है। ये खबर सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं आपको कि कोई जनहानि नहीं हुई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक जो गोले में तब्दील होता हुआ, दूसरा आप देखिए कि विमान जलकर राख हो रहा है। हालांकि मौके पर जो पुलिस अधीक्षक हैं वो भी पहुंच रहे हैं, प्रशासन मौके से रवाना हो गया है, दमकल विभाग की टीम को सूचित कर दिया गया, दमकल विभाग भी मौके से रवाना हो गया है। बाड़मेर से बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ सच बेधड़क पर। लेकिन कहा जा रहा है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, और कहा यह भी जा रहा है कि पायलट उस दरमियान उस वक्त मौजूद नहीं था। लेकिन अभी पूरी सूचना आई नहीं है, पूरी सूचना जैसे जैसे आ रही है हम आपको बताते जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि कोई जनहानि अभी नहीं हुई है, और यह भी कहा जा रहा है कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है ये आबादी वाला इलाका नहीं था। तो मिग विमान क्रैश होने की सूचना सामने आई और मौके पर पुलिस अधीक्षक प्रशासन रवाना हो गया, इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके से रवाना हो गई है ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके। बाड़मेर से आपको बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और सच बेधड़क आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। जिला कलेक्टर और एसपी मौके के लिए रवाना हो गए हैं, मिग हादसे में पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है, और खबर ये है कि अभी कोई जनहानि नहीं हुई है, और जहां पर ये घटना घटी है
वो आबादी वाला इलाका नहीं था। तो पुलिस प्रशासन मौके से देखिए रवाना हो गया है। मिग हादसे में पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है और कोई अभी जनहानि नहीं हुई है। तो ये तस्वीरें आपके सामने और सच पे धड़क आपको ये एक्सक्लूसिव और सबसे पहले तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। दमकल विभाग को भी सूचित कर दिया गया और दमकल विभाग सूचना मिलते ही मौके से रवाना है। ये तस्वीरें आप देखिए, पूरा जो विमान है वो आग के गोले में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। ये बाड़मेर से जानकारी आप देखिए किस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद ये प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पुलिस अधीक्षक और प्रशासन मौके से रवाना हो गए हैं। दमकल विभाग को सूचित कर दिया गया और दमकल विभाग सूचना मिलते ही मौके से रवाना हो गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बाड़मेर से बता रहे हैं। संवाददाता भवने जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। भवनेश, कैसे हुआ ये हादसा, जानकारी दीजिए। ये एयरफोर्स का रूटीन एक्टिविटी थी, उसी के तहत प्लेन क्रैश होने की सूचनाएं अभी मिली है और बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा सहित आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। बाड़मेर के पास जिप्सम होल्ड के पास प्लेन क्रैश होने की जानकारी मिल रही है और बताया जा रहा है कि एयरफोर्स की रूटीन एक्टिविटी के दौरान ये हादसा हुआ है। फिलहाल कोई जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। क्या कोई जनहानि हुई है इस दरमियान? क्या पायलट सुरक्षित है? पायलट फिलहाल सुरक्षित बताया जा रहा है जी। अभी आला अधिकारी पहुंचने के बाद ही पूर्ण रूप से पुष्टि हो पाएगी। ठीक है, और मौके से देखिए पुलिस अमला भी रवाना हो गया है, पुलिस अधीक्षक भी रवाना हो चुके हैं। भुवनेश, ये जो इलाका था जहां पर ये घटना घटी है, क्या ये आबादी वाला इलाका था? नहीं, आबादी वाला इलाका नहीं है, हॉल्ट है, जिप्सम की फैक्ट्रियां हैं जी। अभी पूर्ण जानकारी आला अधिकारी वहां पहुंचने के बाद ही स्पष्ट हो जाएगी हादसा क्या हुआ है। ठीक है, रूटीन एक्टिविटी यहाँ पर हो रही थी और उसके बाद ये घटना घटी। भुवनेश, क्या पायलट के साथ कोई और भी मौजूद था, ऐसी कोई खबर है क्या? अभी फिलहाल ऐसी खबरें नहीं मिल रही है। वहाँ एसपी साहब पहुँचने के बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। एयरफोर्स के आला अधिकारी, जिला स्तर के आला अधिकारी मौके पर पहुँच रहे हैं, फायर ब्रिगेड पहुँच रही है, प्लेन क्रैश होते नीचे जिसके भी उसमें आग लग गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भुवनेश अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी है कि अभी कोई जनहानि नहीं हुई है, पायलट सुरक्षित है ये कहा जा रहा है, मौके से टीम रवाना हो गई है। इसके अलावा दमकल विभाग भी मौके से रवाना हो गया है, पुलिस अधीक्षक पहुंचने ही वाले हैं, पुलिस का अमला मौके पर पहुंचने वाला है। तो देखिए रूटीन एक्टिविटी यहां पर हो रही थी और इस दरमियान यह विमान क्रैश हो गया और उसके बाद आग के गोले में तब्दील हो गया। शुक्र है कि जो पायलट था वो सुरक्षित है ये कहा जा रहा है। हालांकि जो पूरी स्थिति है तब साफ होगी जब पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे। अभी हादसे में कोई हताहत नहीं है, पायलट सुरक्षित है ये कहा जा रहा है। बता दें कि बाड़मेर के कवास में प्लेन क्रैश हुआ है, ये जानकारी सामने आई है। आबादी वाले इलाके में ये घटना नहीं घटी है। जिला कलेक्टर भी देखिए मौके से रवाना हो गए हैं, पुलिस अधीक्षक मौके से रवाना हो गए हैं और बाड़मेर मुख्यालय के करीब 20 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ ही कहा जा रहा है। जो बाड़मेर मुख्यालय है वो लगभग 20 किलोमीटर है जहां पर यह घटना घटी है, जहां यह हादसा हुआ है और पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है, कोई जनहानि नहीं हुई है। आबादी वाले इलाके में यह हादसा नहीं हुआ और किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। वायुसेना और पुलिस
अधिकारी मौके से रवाना हो गए हैं। हालांकि सभी अधिकारीगण अब पहुंचने ही वाले होंगे। दमकल विभाग भी मौके पर पहुंचने वाला होगा, लेकिन पूरा जो विमान है वो आग के गोले में तब्दील हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आप देखिए किस तरीके से पूरा विमान जलकर खाक हो रहा है और धुएं का गुबार भी आपको नजर आ रहा होगा। हादसे में पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है और कोई जनहानि नहीं हुई, ये खबर सामने आई। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हादसा हुआ है, जो घटना घटी है, आबादी वाला इलाका नहीं था। और ये जहां घटना घटी है, बाड़मेर जो कार्यालय है वो यहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। अब मौके से पुलिस अधीक्षक पहुंचने वाले हैं, वो रवाना हो गए हैं। दमकल विभाग की मौके से रवाना हो गया है। तो फिलहाल की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कवास के आसपास प्लेन क्रैश हुआ और तलाई के पास हादसा हुआ है। हादसे में पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है। अभी फिलहाल खबर तो यही सामने आई है कि पायलट अकेला था। जब अधिकारीगण पहुंचेंगे तो उसके बाद पूरी स्थिति साफ हो पाएगी कि क्या पायलट अकेला था। लेकिन अभी तो कहा यह जा रहा है कि वो सुरक्षित है और कोई जनहानि नहीं हुई है और आबादी वाले इलाके में ही हादसा नहीं हुआ।